नेटफ्लिक्स ने अपनी मिनी सीरीज अनबिलीवेबल को रिलीज कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसी है ये सीरीज और इसे आपको देखना चाहिए या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक कंटेंट वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर आप 18 प्लस है तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अनबिलीवेबल अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स पर 13 सितंबर को हिंदी और इंग्लिश में रिलीज कर दिया गया था और इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक ट्रू इवेंट पर जहां मार्च 2008 वाशिंगटन में एक 18 साल की लड़की अपने अपार्टमेंट में सो रही होती है तो वहां एक स्ट्रेंजर पहुंच जाता है और उसे नाइफ पॉइंट पर काफी देर तक असॉल्ट करता है। यहां तक कि उसकी फोटो क्लिक करके उसे धमकी देता है कि अगर वो पुलिस को कुछ बताई तो वो सारी फोटोज ऑनलाइन अपलोड कर देगा। और ये सब सिर्फ सीरीज में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हुआ है। अनबिलीवेबल एक ट्रू क्राइम स्टोरी है। इसका फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है मैरी पर हुए अटैक के साथ और इस अटैक के बाद मैरी और उसकी माँ जुडिथ पुलिस को कंप्लेन करती है और पुलिस वहाँ पहुंचकर विक्टिम को इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन और फोटोज क्लिक करती है और ये सब मैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इन सब के बाद पुलिस फिर भी मैरी के स्टोरी पर यकीन नहीं करती। इस कहानी में दो डिटेक्टिव भी है जिनका आगे चलकर इस सीरीज में बहुत बड़ा रोल है। बाकी की स्टोरी बताकर हम आपके इस सीरीज को स्पॉइल नहीं करेंगे। क्रिटिक्स ने इस सीरीज को काफी अच्छे रिव्यूज दिए हैं। अगर आपको क्राइम बेस्ड सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है और आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। हम आपको एक वार्निंग देना चाहेंगे, अगर आप 18 प्लस है तभी इस सीरीज को देखें। और बात करें अगर इस सीरीज की रेटिंग की तो IMDB पर इसे 8.5 स्टार दिया गया है और वहीं रॉटन टोमेटोज पर इसका टोमेटो मीटर 94% है और ऑडियंस स्कोर 96% है और हम इस वेब सीरीज को 4 स्टार देंगे। इसी तरह वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Shazam!